तो देखिए पहलवानों के पक्ष में जयपुर में भी धरना जारी है और विधायक कृष्णा पूनिया धरने पर बैठी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और लाइव हमारे साथ में सहयोगी नरेश भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, विधायक कृष्णा पूनिया पहलवानों के समर्थन में जयपुर में धरने पर बैठी है, किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ कह रही है वो? धरने पर बैठी है और उनकी ये मांग है कि जो WFI के अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, जो भाजपा के सांसद भी है, उनको बर्खास्त किया जाए क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों पर अत्याचार किए हैं और खिलाड़ियों ने भी आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के और जान से मारने की धमकी देने को लेके। यहाँ कई खिलाड़ी है, खेल पदाधिकारी है, वो इस धरने पर बैठे हैं कृष्णा पूनिया के साथ में। कृष्णा पूनिया जो खुद विधायक तो है लेकिन उससे पहले एक खिलाड़ी रही है और देश का नाम रोशन किया है। कृष्णा जी, पूरे देश में अभी आग फैली है, पहलवान है वो सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हुआ था, आज उनके समर्थन में आप जयपुर में यहाँ बैठी हैं धरने पे स्टेचू सर्किल पे, क्या पूरा मामला है ये? जंतर मंतर पे जो हमारे एथलीट हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में देश भर के पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो एलिगेशन जो अपनी रेसलिंग की फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, जो कि यूपी से बीजेपी से सांसद भी आते हैं और रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन पे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो लड़कियों का शोषण करते हैं, मनमानी करते हैं और ये एलिगेशन बहुत गंभीर एलिगेशन खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए हैं और मेरी ये मांग है कि इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, सांसद के रूप से भी और फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप से भी, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक स्लोगन आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आज इस देश के स्टार एथलीट इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है इस देश के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी और साथ में कहना ये भी चाहूँगी कि जो हमारी IO की प्रेसिडेंट हैं PT उषा, खुद महिला हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए कि ये जो आरोप हैं वो संगीन आरोप हैं। और साथ साथ विनेश ने एक और बात की कि हमें हो सकता है कि इतनी बड़ी जो हमने बात रखी है हमारी जान को खतरा भी हो, तो एक इतना स्टार एथलीट जो है इस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है तो छोटे जो बिगनर्स हैं उनके साथ क्या होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और खिलाड़ियों का मैं साथ देना चाहूँगी और जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं जो उन स्टार एथलीट्स के फैन हैं और जो युवा हैं, जो बच्चियाँ हैं और खेलों में अपना भविष्य संवारती हैं या जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि उनका साथ देना चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर अन्याय के खिलाफ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। किशन जी, अचानक ये मामला कल से अचानक क्यों उठा, क्या इसके पीछे कोई और कारण है या वास्तव में खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है, मनमानी हो रही है? विनेश ने जैसे बात कही कि अब सर से ऊंचा पानी जो है सर से ऊंचा जाने लगा और हो सकता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनमें से कुछ एथलीट धरने पे भी बैठे हैं जिनका शोषण हुआ है। हो सकता है कि अभी आने वाले जो एशियन गेम हैं, जो बड़े गेम अब होने वाले हैं, उसके माध्यम से भी उन्हें टॉर्चर किया जा रहा हो, तो ये बात उठना लाजमी थी और ये देर से उठी या पहले उठी, मैं उस बात का जवाब तो वो एथलीट्स दे सकते हैं लेकिन मैं उनके जज्बे की कायल ये हूँ कि इतना बड़ा जैसे जो उन्होंने स्टेप उठाया है, जो जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मैं इसलिए उनका समर्थन करती हूँ। ब्रजभूषण कहते हैं कि जांच होगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ नियम बनाए हैं इसलिए खिलाड़ी परेशान है, इसलिए जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? दोषी होता है वो हमेशा ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, ये तो जांच में सामने आएगा। और साथ ही इन्होंने तो ये कहा है लेकिन विनेश ने ये भी कहा है कि हमारे पास सबूत हैं अगर प्रधानमंत्री जी देखना चाहें तो ये छोटी बात नहीं है, उनका तो कहना ही है, उन्होंने सबूत की बात कही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसी आग है जो वो इन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और मैं खुद चिंतित हूँ उन एथलीट्स के लिए कि बिल्कुल नरेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप।